जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल लर्न विद सुमित पे। तो यार, ये बहुत बच्चे बोलते हैं सर एनडीए का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सब बहुत ही डाउट्स, कॉमन डाउट्स है बच्चों की। मेरे पास बहुत कमेंट्स आए, बहुत पर्सनल मैसेज आए, तो मैं फाइनली इस चीज पे वीडियो बना रहा हूँ कि इसमें हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है, कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ो, उसमें से पर्टिकुलरली किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ो, ये सारी बातें हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के बाद मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आपको पूरा एनडीए का एग्जामिनेशन पैटर्न समझ में आ जाएगा, या आपको समझ में आएगा कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में गारंटेड समझ में आ जाएंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न। भाई एनडीए, आप जानते हैं एनडीए कंडक्ट कौन कराती है? भाई यूपीएससी कराती है। देखो ये सारी बातें बहुत ही बेसिक वाली बातें, इन पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं उन बातों पर पकड़ूंगा जो आपकी मोस्टली ना डाउट्स होती हैं, ठीक है? तो मैं उन पे ज्यादा टिकना चाहूंगा। देखो यार, इसमें ना दो पेपर होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन होता है मैथमेटिक्स का पेपर होता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है, 300 नंबर का पेपर होता है। बात सुनो, ध्यान से सुनो भाई, 120 क्वेश्चन, टाइम कितना? 2.5 घंटे टाइम, 2.5 आवर्स का टाइम, एंड 300 क्वेश्चन, सॉरी 300 मार्क्स। ये हो गया पेपर वन। इसका सिलेबस क्या है, वो क्या है, सारी बातें हम करेंगे पेपर वन। ये इसके बाद बच्चों के वो भी डाउट्स होते हैं कि सर अगर पेपर वन में कितने मार्क्स चाहिए इंडिविजुअली, उसमें कितने मार्क्स चाहिए इंडिविजुअली, ये भी चीजें कवर कर लेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। अब आता है पेपर टू, जिसको हम बोलते हैं जीएटी, जर्नल एबिलिटी टेस्ट। इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस, टाइम वही 2.5 आवर्स, मार्क्स कितने? 600 मार्क्स। तो भाई 300 मैथ के, 600 जीएटी के, टोटल मिलके हो गए 900 मार्क्स। आपका रिटन एग्जामिनेशन 900 मार्क्स का होता है, जो कट ऑफ निकलती है रिटन एग्जामिनेशन की, वो 900 मार्क्स में से निकलती है। जो आपने देखा होगा 348, 321 वो अलग अलग साल वेरी करती है, जो वो 900 में से होती है। इसके बाद जो बच्चा रिटन क्वालिफाई करता है उसको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है, एसएसबी इंटरव्यू, ठीक है? उस एसएसबी इंटरव्यू के, उसके बारे में अलग से बेटे बात कर लेंगे हम एक किसी वीडियो में कि एसएसबी इंटरव्यू में कौन कौन सी स्टेजेस होती है, कैसे कैसे क्या चीज होती है, लेकिन अभी के लिए उस एसएसबी इंटरव्यू के पूरे प्रोसेस की वेटेज 900 मार्क्स है। 900 ये, 900 वो, दोनों मिला के देन फाइनली एक मेरिट निकलती है, एंड आप अलग अलग फोर्सेस के लिए रिकमेंड होते हो। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत बच्चे बोलते हैं सर मैथ में इंडिविजुअली कुछ मार्क्स चाहिए होते हैं क्या? देखो जी, सबसे पहले जो बच्चा मैथ की कट ऑफ क्लियर नहीं करेगा उसका जीएटी का पेपर चेक ही नहीं होगा। उसको जीएटी का पेपर, अगर वो चाहता है उसका पेपर चेक भी हो, तो उसको मैथ की एक मिनिमम वेटेज, एक मिनिमम परसेंटेज पास करनी पड़ेगी। उसके लिए भी एक मैं अलग से बताऊंगा, वीडियो में बताऊंगा कि भाई सेक्शनल कट ऑफ ये सब बहुत ही ज्यादा अफवाहें हैं ये, ठीक है? कि भाई हर सब्जेक्ट के कितने मार्क्स, ये सारी बातें मैं सारी बातों पे डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो का फोकस मेरा सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन पैटर्न बताना है कि एग्जाम आता किस तरीके से। भाई देखो, ऑफलाइन एग्जाम होता है अभी तक, तो अब देखो क्या सिचुएशन बनती है। अभी तक ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, ठीक है जी? दो एग्जाम, दो पेपर होते हैं, टोटल 5 घंटे का पेपर हो गया। पेपर वन में मैथ कौन सी मैथ, आप ये मान लो 11th 12th की, ये मान लो 11th 12th की पूरी मैथ्स, 11th 12th की पूरी मैथ्स, ये मैंने एक वो बना दिया है, एक मतलब ज्यादातर इसी के अंडर आ जाएंगे सारे टॉपिक्स, ठीक है जी? अब जीएटी को देख लेते हैं। भाई जीएटी के मैंने आपको बताए 150 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको ध्यान हो मैंने बताए थे 150 क्वेश्चन आते हैं। अब इस 150 की डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। 150 की डिस्ट्रीब्यूशन है कि भाई इसमें आएंगे 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन साइंस से, 50 क्वेश्चन जीके से, एंड 50 क्वेश्चन इंग्लिश के। भाई ये तीनों 50 50 50 150, हर क्वेश्चन
हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 600 मार्क्स का पूरा जीएटी हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 600 मार्क्स का पूरा जीएटी होगा। अब देखो ना, ये लगभग फिक्स है, 50-50 क्वेश्चन से फिक्स है। अब इसमें भी अंदर क्लासिफिकेशन है, इसमें भी अंदर क्लासिफिकेशन है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स से, और अगर मैं साइंस की बात करूं मैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन फिजिक्स से, देन केमिस्ट्री से, और देन बायो से। जीके में, जीके के सब्जेक्ट बता देता हूं मैं, जीके में आ जाता है आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इको, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इन सब से मिला के टोटल 50 क्वेश्चन पूछना है, पूछने एग्जामिनर ने। सबसे मिला के टोटल 50 है, यानी जीएस आपके लिए 50 × 4 200 मार्क्स, ऐसे ही साइंस आपके लिए 50 × 4 200 मार्क्स। क्लियर हो गई बात? अब इसमें कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन करें, ज्यादा ज्यादा किस चीज से आता है, तो इसके लिए भी देखो खुद की ज्यादा वो मेरी बात समझने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा जो यूपीएससी ने दे रखी है सारी की सारी चीजें ना, यूपीएससी नोटिफिकेशन से निकाल लिया। ये इसमें सेक्शन डिवाइड कर रखे हैं, ए बी सी डी ई एफ। ये ए सेक्शन मैं ऊपर दिखा दूंगा अभी, ये बात कर रहा है फिजिक्स की, फिजिक्स से अप्रोक्सीमेटली 25% क्वेश्चन। बी कह रहा है ये केमिस्ट्री, सी कह रहा है ये बायो, ठीक है, डी और ई ये कह रहा है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, एंड एफ कह रहा है ये करंट अफेयर एंड अदर्स। तो आपको किसी की बातें ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है कि कोई कहता है जी इससे इतने क्वेश्चन आते हैं, इससे इतने क्वेश्चन आते हैं। एक रफ आइडिया अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली एक रफ आइडिया यूपीएससी अपनी नोटिफिकेशन में खुद देती है कि मैं ये चीजें पूछने वाला हूं, तो आपको कहीं भी जरूरत जाने की जरूरत नहीं है भाई। नो डाउट फिजिक्स से 25% अप्रोक्सीमेटली, दिस इज नॉट एग्जैक्ट, अप्रोक्सीमेटली चीजें चलती हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, ऊपर नीचे हल्का फुल्का चलेगा, ठीक है। तो अगर आप जीएस में बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से हो गए? हिस्ट्री और ज्योग्राफी हो गए। उसके बाद क्या? करंट अफेयर, पॉलिटी एंड इको। ये इको ना एक्चुअली करंट अफेयर से रिलेट करके पूछता है, तो ये यही सीरीज होगी, मतलब इसी सीरीज में हिस्ट्री ज्योग्राफी इक्वल एंड देन करंट अफेयर पॉलिटी इकोनॉमी, इसी सीरीज में आपको पढ़ने हैं। करंट अफेयर कैसे क्या पढ़ना है, इन सब पे भी चीजें चल रही है, मेरी वीडियोस चल रही है, आप देख सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये मैंने सारी की सारी जो ये फोटोज हैं, ये सारी की सारी फोटोज मैंने उठाई हैं अपने यूपीएससी की नोटिफिकेशन से। अगर मैं बात करूं, जैसे इसमें देख लो फिजिक्स की बात करूं, तो फिजिक्स का पूरा ये पूरा का पूरा 11th 12th का वो है, जो आपके 11th 12th के सब्जेक्ट्स होते हैं। देखो एनडीए इस हिसाब से बनाया गया है कि देखो साइंस वाला बच्चा भी इसको पेपर दे सके, आर्ट्स वाला बच्चा पेपर दे सके, ठीक है। एंड ये बेसिक चीजें हैं, जो आप ऑफिसर बनना चाह रहे हो तो इतनी चीजें आपको आनी भी चाहिए, ठीक है। तो फिजिक्स का पूरा ये 11th 12th का ही सब्जेक्ट, पूरा 11th 12th का ही कोर्स है, पूरा का पूरा 11th 12th का कोर्स है, ठीक है, एज इट इज है। आप 11th 12th की एनसीईआरटी को उठा के देख लेना, सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। सेम चीज केमिस्ट्री में है, सेम चीज बायो में है। मैंने ये सारी चीजें लिख दी है यहाँ पे, जैसे ज्योग्राफी के आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ज्योग्राफी का आप देख सकते हैं, ज्योग्राफी के सारे जो कोर्स हैं, इसी कोर्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपको जहाँ पता है ना अकेडमी पढ़ा रहा हूँ मैं, तो एज इट इज इसी कोर्स को मैं फॉलो करता हूँ। सेम गोज विद हिस्ट्री, ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री एंड जनरल साइंस, जनरल साइंस यानी बायो, ठीक है, पूरा का पूरा ये एनसीईआरटी पे ही बेस्ड होता है, इधर उधर ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, सारा सारी टॉपिक आपको एनसीईआरटी मिलेंगे मिलेंगे, ठीक है यार। तो ये मैंने एक एग्जामिनेशन पैटर्न बताने की आपको कोशिश करी कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या सिलेबस है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करी है इस वीडियो में, ठीक है। अब कुछ बातें जो आपको और ज्यादा कंफ्यूजिंग है वो आप कमेंट वगैरह में लिख सकते हैं, मैं उस चीज पे वीडियो बना दूंगा जो मैंने खुद सोची हुई है। एक तो मैंने सेक्शनल कट ऑफ एंड पर्टिकुलरली किस टॉपिक को कितना पढ़े, आफ्टर एनालाइजिंग किस टॉपिक को कितना ज्यादा पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक से पर्टिकुलर क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, इसकी वीडियो भी आपको जरूर मिलेगी आने वाले टाइम में। तब तक आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, अगर आपको मेरी चीजें अच्छी लग रही हैं तो डू सब्सक्राइब, एंड अपने दोस्तों यारों को भी सब्सक्राइब करने को बोलिए। आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं एनडीए एयरफोर्स सेक्शन वाई कैटेगरी में कंप्लीट जीएस पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे फायदा ले रहे हैं मेरा,
वहाँ आप भी उठा लीजिए फायदा। बहुत सारी फ्री क्लासेस भी चलती है मेरी, उन फ्री क्लासेस के लिंक आपको मुझे अनअकैडमी फॉलो करके मिल सकते हैं, या फिर मुझे टेलीग्राम चैनल पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं रेगुलर सारी लिंक्स डालता रहता हूँ, रेगुलर क्विजेज लेता रहता हूँ, मेरी क्लासेस की पीडीएफ वहाँ डालता रहता हूँ, ठीक है। तो मुझे अनअकैडमी पे वो फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा डू शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए थैंक यू, ध्यान रखें अपना, अपनी फैमिली का एंड अपना, अच्छी तरीके से इस कोविड के इस टाइम में थोड़ा सुरक्षित रहें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।